हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले एक अच्छा सवाल जो कि वर्क एनर्जी थ्योरम पे और उसमें कई सारे दूसरे एप्लीकेशन भी यूज़ होने वाले हैं। तो चले बिना किसी देर के पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो चलिए, पहले इसमें क्या लिखा हुआ है, एक ब्लॉक है ए, उसका मास है 5 kg और अटैच किया गया है स्प्रिंग के साथ, हैविंग फोर्स कॉन्स्टेंट 2000 न्यूटन पर मीटर। ओके, द अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग इज फिक्स्ड टू अ रफ प्लेन इंक्लाइंड एट 37 डिग्रीज। ठीक है, ये प्लेन है हमारा और ये 37 डिग्री पे इंटर वो हमको दिया गया है, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे माफ़ करना म्यू आएगा, एम नहीं है वो म्यू है। ठीक है, म्यू है कितना, 0.25। ओके, फिर क्या बोला गया कि ब्लॉक ए इज जेंटली प्लेस्ड ऑफ द प्लेन सच दैट द स्प्रिंग हैज नो टेंशन। मतलब पहले स्प्रिंग क्या है, नेचुरल लेंथ पे, वो हमको कहना चाह रहा है। कैलकुलेट द इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग व्हेन इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। ओके, अब क्या कर रहे हैं, अब एक धागा बांध रहे, पहले धागा नहीं था, अब एक धागा बांध रहे, इनएक्सटेंसिबल थ्रेड is connected with block A, passes below the pulley C and over pulley D, as shown in the figure. ये दो पुलिस ऐसे स्ट्रिंग पास हो रही है, और वो क्या बोला गया कि अदर एंड ऑफ द थ्रेड इज कनेक्टेड विथ ब्लॉक बी ऑफ मास 3 kg, ब्लॉक बी इज रेस्टिंग ओवर टेबल एंड थ्रेड इज लूज। ध्यान रखना पहले क्या लूज है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। फिर क्या बोला गया कि टेबल कलेप्स इज सडनली कोलेप्स हो जाता है, बी फॉल्स फ्रीली थ्रू 80x9 cm, द थ्रेड बिकम्स टॉट, कैलकुलेट द कम्बाइंड स्पीड ऑफ द ब्लॉक्स एट दैट इंस्टेंट। वो इंस्टेंट पे कैलकुलेट करनी है हमको स्पीड, और हमको दूसरा क्या फाइन करना है, मैक्सिमम इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग इन द प्रोसेस ऑफ द मोशन। तो ये दोस्तों बहुत 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 ही अच्छा सवाल है। देखो पहले क्या हो रहा है, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा ऐसे। पहले क्या है कि पहले एक मिनट, पहले जो धागा है वो ऐसा स्ट्रेट नहीं है, वो थोड़ा सा लूज है, ऐसे थोड़ा सा लूज है। फिर क्या हो रहा है कि जब ये हट जा रहा है, जब ये मान लो हट गया, तो क्या हो रहा है कि ये हट गया तो ये धागा लूज है, तो ग्रेविटी का कारण नीचे आएगा। फिर क्या बोला कि जब ये 80x9 cm नीचे आता है, तब जाकर क्या होता है, थ्रेड सीधा होता है, यानी कि टॉट हो जाता है, ऐसे इस पुली के ऐसे आता है, सॉरी पुली अच्छे से नहीं बनाया मैंने, ऐसे पुली से आके वही क्या होता है, टॉट हो जाता है। तब 80x9 cm जब फॉल हुआ, तब इसके क्या लगने लगता है, टेंशन लगने लग जाता है टेंशन। ठीक है, टेंशन तब लगता है जब 80x9 cm फॉल होता है। अभी टेंशन लगेगा तो वो इंपल्स, टेंशन को इधर क्या है, इंपल्सिव फोर्स बोलते हैं, इंपल्सिव फोर्स यहाँ पे लगने लगता है, और वहाँ पे वेलोसिटी कुछ चेंज हो जाती है, और इस पे वेलोसिटी कुछ चेंज हो जाती है, कुछ जो पहले थी वो चेंज हो जाती है, और क्या होता है कि अभी इस पे वेलोसिटी है तो थोड़ा नीचे जाएगा। ठीक है, थोड़ा नीचे जाएगा, और ये जो ब्लॉक ए है उसको भी थोड़ा खींचेगा। ठीक है, और बाद में जब मैक्सिमम एक्सटेंशन आता है, तब ये ब्लॉक बी है वो रेस्ट पे आ जाता है, और ए भी जो मैक्सिमम एक्सटेंशन पे ए में आ जाता है, रेस्ट पे आ जाता है ये ब्लॉक ए ऐसे। ठीक है, और वापस फिर ऊपर ये दोनों एक्सेलरेट करने लगते हैं। ठीक है, तो ये पूरा सिनेरियो है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो पहला पार्ट तो बहुत ईजी, उसमें कोई पहले तो स्ट्रिंग है नहीं, पहले ऐसा है ये ब्लॉक का मास एम है, ये 37 डिग्री का इंक्लाइन प्लेन है, पहले स्ट्रिंग नहीं थी, ये इधर पीछे का फोर्स क्या लग रहा है, के एक्स लग रहा है, पहले स्ट्रिंग नहीं है, नीचे क्या लगेगा, एम जी साइन 37 लगेगा इधर, क्योंकि ब्लॉक नीचे स्लाइड करने जा रहा है, तो फ्रिक्शन क्या लगेगा, ऑब्वियसली ऊपर लगेगा अपोज करने के लिए, म्यू एन, और इधर क्या लगेगा, एम जी कॉस 37 लगेगा, और ये इधर नॉर्मल लगेगा। ठीक है, अच्छा ये आ गया इतना। अभी इसका इक्विलिब्रियम की कंडीशन लिखिए तो क्या लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू एम जी कॉस 37 लिख सकते हैं, और इसका मास कितना है 50, तो 50 कॉस 37, इसका मास 5 kg, तो 5 × 10 cos 37 वो कितना हो जाएगा, 40 न्यूटन। हमारा क्या आ गया नॉर्मल, हमारा कितना आ गया 40 न्यूटन। अब जो अलॉन्ग द प्लेन फोर्सेस को बैलेंस करें तो क्या हो जाएगा, kx प्लस म्यू इंटू नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी साइन 37। ठीक है, एम जी साइन 37 की वैल्यू है 2000, x प्लस म्यू है दिया गया 0.5 × 40, और मास है 5 kg, ये 5 kg है, तो 5 × 10 sin 37 वो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.01, और ये किस में आएगा, मीटर में आएगा। ठीक है, ये किस में आएगा, मीटर में आएगा। ओके, ये कितना हो जाएगा, x कितना हो जाएगा, 1 cm हो जाएगा। ठीक है, मतलब इक्विलिब्रियम के कितना खींचेगा, 1 cm खींचेगा, याद रखना आगे काम आने वाला है।
ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि अब थ्रेड लगा दे रहे हैं और बी बी के नीचे का टेबल हट जा रहा है। ठीक, अच्छा कोई बात नहीं। तो पहले क्या है, पहले जब ये बी था पहले बी पे टेबल था, ठीक है, अभी टेबल हट गया तो बी फ्रीली फॉल करेगा कितनी देर तक, 80/9 सेंटीमीटर तक, तब कोई टेंशन नहीं लग रहा है, सिर्फ ओनली ग्रेविटी लग रहा है, ग्रेविटी जी से एक्सीलरेट कर रहा है वो, और इधर जाके टेंशन लगने लगेगा कहीं ऊपर, ठीक है। तो अभी अगर मैं 80/9 सेंटीमीटर उसकी वेलोसिटी फाइंड करना चाहूँ, जब वो चेंज नहीं हुई, जब तक टेंशन नहीं लग रहा है, जस्ट पहले टेंशन लगने से जस्ट पहले, तो वेलोसिटी कितनी होगी, अंडर रूट 2gh हो जाएगी लॉस ऑफ मोशन के हिसाब से, कुछ टेंशन नहीं लग रहा है तो अब क्या आ जाएगा, 2 × 10 × 80/9, और ये सेंटीमीटर है तो हमको इंटू क्या करना पड़ेगा, 1/100 भी करना पड़ेगा, ठीक है, 1/100 आगे, ओके। तो ये कितना आ जाएगा, 4/3 मीटर्स पर सेकेंड आ जाएगा इसकी वेलोसिटी, जब टेंशन लगने की जस्ट पहले की वेलोसिटी। अच्छा, अभी आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जहाँ पे आप गलती कर सकते हो। देखना, यहाँ पे एक ब्लॉक ए है, ठीक है, और यहाँ कहीं पे इसे पुली से पास होते हुए यहाँ कहीं पे है हमारा बी, ठीक है, ये है बी, ये है ए, ठीक है, ये ऐसे टेबल है, वहाँ पे ऐसे रेस्ट कर रहा है, ओके, ये ऐसे कनेक्टेड है ऐसे, ओके, कोई डाउट। अच्छा, तो अभी ये कनेक्टेड है, जब अभी इस मोमेंट पे टेंशन लगने लगा और इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 4/3 थी, ठीक है, इसकी वेलोसिटी 4/3 थी, और टेंशन लगने के बाद उसकी वेलोसिटी मान लो फाइनली कितनी हो गई, वी हो गई, ये फाइनल है, ये कितने टेंशन लगने के जस्ट बाद है फाइनल, ठीक है, और ये टेंशन लगने के जस्ट पहले है इनिशियल, ओके, कोई डाउट है। अभी इसका टेंशन का इम्पल्स लग रहा है टी, और टेंशन के इम्पल्स मान लो टेंशन लग रहा है टी, ठीक है, टेंशन टी लग रहा है, और सेम मोमेंट पे इसके भी ऊपर टेंशन टी लगने लगेगा। तभी दोस्तों क्या होता है कि जब अचानक से ऐसे सडनली फोर्स लगता है, इम्पल्सिव फोर्स लगता है, तो उसका इम्पल्स हमको कंसिडर करना पड़ता है। तो मान लो क्या कि ए है, ए पे अचानक से इम्पल्स क्या लग गया, जे लग गया, ठीक है, क्या लग गया, जे, इम्पल्स मतलब क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है, मतलब मोमेंटम की सिमिलर यूनिट्स होती है उसकी, ठीक है, जे क्या होता है, डेल्टा एफ इंटू टी, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अभी अचानक से जे लगने लगा और बी पे अचानक मान लो सेम इम्पल्स लगेगा जे, क्योंकि स्ट्रिंग सेम है, ठीक है। अच्छा, तो अभी जे क्या होता है, डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, तो जे क्या हो जाएगा, पहले इनिशियल मोमेंटम क्या था, ये डेल्टा पी क्या होगा, पी एफ माइनस पी आई, मैं ये ए के लिए लिख रहा हूँ, पहले ए के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अभी जे है तो जे क्या हो जाएगा, पी एफ, फाइनल मोमेंटम मान लो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वी हो जाएगी, इसकी भी फाइनल वी हो जाएगी, क्योंकि सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो वेलोसिटी दोनों की क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका मास कितना है, 5, तो 5v माइनस 0, तो एक इक्वेशन आ गया कि j इज इक्वल टू 5v, ठीक है, ये एक इक्वेशन आ गया। अभी अगर हम b के लिए लिखते हैं, b के लिए, तो b पे क्या लग रहा है, उसकी वेलोसिटी अगर नीचे माने तो 10, इम्पल्स उल्टा लग रहा है, तो हम माइनस j लिखेंगे, इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई, ठीक है, तो माइनस j इज इक्वल टू क्या होगा, पी एफ, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v, फाइनल वेलोसिटी तो v मानी हमने, तो 3v आ जाएगा, और इनिशियल वेलोसिटी क्या थी इसकी, 4/3 थी, कितनी थी, 4/3, तो 3 इंटू मास इंटू वेलोसिटी कितनी थी, 4/3, ये 3 कैंसिल हो गया। अभी जे को इधर से इधर पुट करते हैं तो माइनस 5v इज इक्वल टू 3v माइनस 4, ठीक है, ऐसा आ जाएगा, और इधर से वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 1/2 मीटर्स पर सेकेंड, हाफ मीटर्स पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि बाद जो बी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 4/3 टेंशन लगने से जस्ट पहले, और जस्ट बात कितनी हो जाएगी, 1/2 मीटर्स पर सेकेंड, क्यों, क्योंकि टेंशन का इम्पल्स लग रहा है, और क्या होगा कि ए जो पहले रेस्ट पे था, वो टेंशन के इम्पल्स के कारण क्या हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 1/2 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये हमारा क्या है, करंट सिनेरियो है, ठीक है, ये बात समझ में आई आपको, ए की, अब ये 4/3 को भूल जाने का उसका भी कोई काम नहीं है, तो ये आ गया 1/2 मीटर पर सेकेंड, 1/2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अभी क्या बोला है कि अभी स्प्रिंग का मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना होगा, तो अभी क्या लगाएंगे, हमारे पास तो एक ही चीज़ है, क्या है वो, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है, पहले हम वो लगा देते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या हो रहा है,
मान लो कि स्प्रिंग, जो स्प्रिंग है, मैं फिर से डायग्राम बना देता हूँ इसका, ये स्प्रिंग है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसकी वेलोसिटी कितनी है 1/2 meter per second, ठीक है, इसकी वेलोसिटी कितनी है 1/2 meters per second। ये एक्स आगे गया, स्प्रिंग जो पहले स्प्रिंग पहले कितना खींचा हुआ था 1 centimeter, याद है हमने पीछे निकाला था 1 centimeter खींचा हुआ था, और 1 centimeter के आगे और क्या खींच गया, एक्स खींच गया, ठीक है, ये ए खींचा, ये कौन सा, ये ए के लिए खींचा, और जो बी है, जो बी है उसके ऊपर क्या हो गया कि जो बी है वो एक्स डिस्टेंस नीचे गया, ठीक है, वो क्या है, एक्स डिस्टेंस नीचे गया ग्रेविटी के कारण, ठीक है, ये मैं लाइन इरेज कर देता हूँ कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है, एक्स डिस्टेंस नीचे गया ग्रेविटी के कारण, कोई डाउट है, और इधर क्या फ्रिक्शन भी मौजूद है, ठीक है। तो अभी हम वर्क एनर्जी लिखेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम, तो क्या होगा, एक तो पहले वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन ब्लॉक ए होगा, ठीक है, ग्रेविटी भी कुछ वर्क डन करेगी ए पे, फिर ग्रेविटी बी पे भी वर्क डन कर रही है, बी को नीचे लाने में जब एक्स से खींचा है, प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी हो रहा है किस पे, ए पे ही हो रहा है, ठीक है, विदाउट, प्लस और एक चीज़ होगी वर्क डन बाय स्प्रिंग, ठीक है, पहले वर्क डन बाय स्प्रिंग का इनिशियल 1 centimeter था, बाद में कुछ एक्स हो गया, ठीक है, ये चार वर्क कर रहे, ये चार फोर्सेस वर्क कर रहे, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बाद में जब इधर आकर तो जीरो हो जाएगी, मैक्सिमम एक्सटेंशन पे दोनों की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, और फिर वो ऊपर भागने लगेंगे ऐसे, पर उसका कोई काम नहीं है, ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या है दोनों की, जीरो है, माइनस के इनिशियल वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वो है एक तो किसकी है, एक ही काइनेटिक एनर्जी है, वो कितनी, हाफ इंटू मास ऑफ ए, कितना है 5 × 1/2.5, लिख देता हूँ उसको 0.5 squared, ठीक है, प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बी की भी थी, वो कितनी थी, 1/2 × 3 × 0.5 squared, ठीक है, अच्छा, तो अभी वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन ए, वो इधर मैं साइड में निकाल देता हूँ, देखो ये है मास एम, और इधर ग्रेविटी का फोर्स कौन सा लग रहा है, mg sin 37 लग रहा है, ठीक है, और ये कौन सा लग रहा है, mg cos 37, तो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, ये 90 degree एंगल है, डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो ग्रेविटी का वर्क डन क्या होगा, mg sin 37 × x हो जाएगा, ठीक है, ये समझ में आया, ये याद रखना, और पीछे फ्रिक्शन भी लग रहा है, वो कितना था, μ × n था, एक अलग कलर से लिख देता हूँ, वो कितना था, μ × n था, तो वर्क डन में फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, -μ × n, क्योंकि ऑपोजिट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ये याद रखना, और क्या हो रहा है, हाँ ये याद रखना, और क्या हो रहा है, मैं इधर बना देता हूँ, ये जो बी है, बी कितने से नीचे जा रहा है, एक्स से नीचे जा रहा है, तो ग्रेविटी का वर्क डन उस पर कितना होगा, प्लस नीचे जा रहा है, ग्रेविटी भी नीचे लग रही है, ग्रेविटी का फोर्स भी नीचे लग रहा है, तो क्या होगा, प्लस mgx, मास ऑफ बी, एम डैश है, मास ऑफ जी कितना है, 3 है, तो 3gx होगा, और यहाँ पे मास कितना, इधर 5 है, 5 kg, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, दोनों का मास सेम नहीं है, ये हो गया 3gx हो गया वर्क डन, और वर्क डन बाय स्प्रिंग जो है, वर्क डन बाय स्प्रिंग मैं इधर लिख देता हूँ, पहले तो स्प्रिंग कितनी खींची हुई थी, एक्स इनिशियल कितना था 1 centimeter, अभी एक्स फाइनल कितना हो जाएगा, और आगे खींचे ये ब्लॉक ए और आगे चला गया, एक्स फाइनल कितना हो जाएगा, 1+x हो जाएगा, कुछ एक्स माना है तो, ठीक है, अच्छा ये कितना, ये कौन सा, ये हमारा है एक्स फाइनल, तो अभी ये सब चीज़ें मिलने के बाद, अभी अगर हम क्या लगाते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं, ठीक है, क्या लगाते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन ए, तो ये क्या होगा, mg sin 37, और ए का मास कितना है, ए का मास कितना है 5, तो 5g sin 37, ये तो फोर्स हो गया, इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है, इंटू एक्स हो जाएगा 5g sin 37 × x, फिर वर्क डन बाई ग्रेविटी ऑन बी कितना होगा, 3gx होगा, ओके, फिर वर्क डन बाई फ्रिक्शन ऑन ए कितना होगा, -μ × normal, नॉर्मल की वैल्यू 40 थी, इधर लिख देता हूँ, चलो नॉर्मल की वैल्यू कितनी थी, 40 × x, ओके, अभी वर्क डन बाई स्प्रिंग जो होगा वो कितना होता है, आपको याद है, -half k x initial squared -x final squared, ठीक है, ये माइनस नहीं प्लस होता है, +half k x initial squared -x final squared, ठीक है, ये हो गया, तो ये x initial क्या था, मैं इधर डायरेक्ट लिख देता हूँ, x initial थोड़ा सा ऐसे छोटा करके लिखना पड़ेगा, +half k x initial कितना था, 1 centimeter, तो 0.01 square,
माइनस एक्स फाइनल क्या होगा, 1 सेंटीमीटर प्लस एक्स ऐसे यूनिट में, तो एक्स, ठीक है। अच्छा ये हो गया सारे वर्क डन, और ये कितना आ जाएगा इधर से, 0 - ½ 5.5² + ½ 3.5 square, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया वर्क एनर्जी थ्योरम से। तो दोस्तों आपको ये कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा, ठीक है, तो इधर से क्या होगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी मेरे ख्याल से, क्योंकि देखो इधर एक्स है, इधर एक्स है, इधर एक्स पर इधर क्या है, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो दोस्तों ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, पर आपको अगर ये एग्जाम पूछा गया तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू मैं लिख देता हूँ, डायरेक्ट आंसर मेरे पास है, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.05 मीटर, यानी कि एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर इसकी फाइनल वैल्यू आएगी एक्स की, ठीक है, 5 सेंटीमीटर फाइनल वैल्यू आएगी। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। और हमको पूछा है मैक्सिमम इलोंगेशन, तो मैक्सिमम इलोंगेशन खत्म नहीं होता, मैक्सिमम इलोंगेशन क्या होगा, मैक्सिमम इलोंगेशन कितना होगा, पहले तो 1 सेंटीमीटर था ही और एक्स ज़्यादा हुआ, तो 1 + 5 कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। तो अगर दोस्तों आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो मान लो कि ये सारे क्वेश्चन आपसे वर्क एनर्जी थ्योरम से लग जाएंगे, ठीक है। ये पार्ट थोड़ा नया था, ठीक है, ये पार्ट क्या था, अब मैंने आपको सिखाया नहीं था क्योंकि ये इस चैप्टर का नहीं है, तो थोड़ा सा हम डिविएट हो गए, पर आई होप कि आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अच्छा तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जी मल्टीवर्स को, और हमारे चैनल देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।